हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूम एप्लीकेशन में अटेंडेंस फीचर के बारे में। तो दोस्तों, आपने जब भी कोई जूम कॉल की होगी तो कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि आप ये जान पाते कि जूम के अंदर जो है आप अटेंडेंस का फीचर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हो कि जूम के अंदर आपने किसी भी जूम कॉल के ऊपर कितने लोग मौजूद थे और वो कितनी देर के लिए उस कॉल पर रहे थे। तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन अप कर लेना है या कोई भी ब्राउज़र जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप ओपन अप कर ले। और वहाँ पे आपको टाइप करना है zoom.us। ये टाइप करने के बाद आपको इसे ओपन अप कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, एक नया पेज ओपन अप हो गया है। यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल, आपको इस पर क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन अप हो जाएगा। यहाँ से आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नया पेज ओपन अप हो गया है। ये मेरा जूम अकाउंट है। अब आपको यहाँ पे जो है अकाउंट मैनेजमेंट जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। चलिए इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम के अंदर आपको दिख रहा है रिपोर्ट्स। आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन अप हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको जो है एक्टिव होस्ट पे क्लिक करना होगा इस पेज में आने के बाद। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपके सामने है आपकी मीटिंग्स, आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये देख सकते हैं। अब आप कौन से डेट की मीटिंग देखना चाह रहे हैं वो आपके सामने है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो है मीटिंग्स चेक करनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जो है सेप्टेम्बर मंथ की मीटिंग चेक करनी है, तो यहाँ से हम इसे सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हैं जितनी भी मीटिंग्स हमने सितंबर मंथ में की है वो यहाँ पे दिखा रहा है। हमें अब कौन सी मीटिंग के बारे में जानना है या कौन सी मीटिंग की अटेंडेंस के बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप राइट साइड में स्लाइड करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि यहाँ पर आपके कितने पार्टिसिपेंट्स थे और कितनी देर के लिए मीटिंग चली है। तो हमें जो ट्रैकिंग चाहिए वो इस मीटिंग की चाहिए दोस्तों, कि 26 पार्टिसिपेंट्स है और 162 मिनट्स ये मीटिंग चली है। तो आपको जो है पहले 26 पे क्लिक करना होगा इसके लिए। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। ये देखिए, टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन अप हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्सपोर्ट विद मीटिंग डेटा एंड शो यूनिक यूज़र्स। यानी कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक ही यूज़र जो है ड्रॉप होकर दूसरी बार तीसरी बार जुड़ता रहता है, तो आपको सिर्फ यूनिक यूज़र चाहिए, मतलब कि एक ही यूज़र चाहे वो कितनी भी बार जुड़ा हो पर वो एक ही बार काउंट होगा। तो आपको इस पर टैप कर लीजिए। इस पर टैप करने के बाद आपको एक यूज़र की सिर्फ एक ही एंट्री दिखाएगा और टोटल मिनट बताएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका कितनी देर तक वो मीटिंग में रहे वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आपको सिंपली जो है इसके अटेंडेंस कैप्चर करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट कॉर्नर में लिखा हुआ एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और आपकी फ़ाइल ओपन अप हो जाएगी। इस फाइल को आप ओपन अप करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, 16 थे यहाँ पे, और कितनी देर के लिए वो कॉल पर है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मीटिंग का जो है अटेंडेंस जो है कैप्चर कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक बात मैं आपको दोस्तों यहाँ से बता दूँ कि आप ये फीचर जो है सिर्फ प्रो वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने परचेज वर्जन इस्तेमाल किया है तो। अगर आप इसके लिए फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अटेंडेंस कैप्चर करने का जो ये मेथड है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।